वैशाली सबसे पहले आप ही बता दीजिए आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे तो so, सबसे पहले तो हम हीरो uh, मोटो एक अच्छा सा मोमेंटम पकड़ा हुआ है तो एक ये uh, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी स्टॉप uh, लॉस रहेगा ना अभी जब जैसे मैंने बात करी थी तब आई थिंक इट वॉज फिफ्टी सेवन फिफ्टी अभी ऑलरेडी ट्वेंटी थर्टी रुपीज चल चुका है सो फिफ्टी सेवन हंड्रेड की स्टॉप लॉस के साथ सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड का टारगेट रहेगा और uh, दूसरा है एन टी पी सी जो हम रिकमेंड कर रहे हैं तो तो फिलहाल पे है तो रहेगा रहे तो अच्छ, अच्छा पर आप पर ट्रेड करके चल सकते हो और हीरोप में भी खरीदारी करने की सलाह छह हजार के लक्ष्य के लिए अंशु जी आपके ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या होंगे नमस्कार पूजा जी नमस्कार अशेषा जी देखिए मार्केट हमें रेंज बाउंड तो तेज ही लग रहा है तो हम दोनों तेजी के सौदे पकड़ के चलेंगे पहला है बायोकॉन जिसमें ब्रेकआउट आया है फोर्टी वन डेज के बेस का और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है आज के सेशन में फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है तो इस स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए थ्री एट्टी एट के आसपास थ्री एट्टी टू का स्टॉप लॉस रहेगा थ्री नाइनटी फोर का इमीडिएट टारगेट रहेगा दूसरा स्टॉक है ऑयल में यूएस ऑयल में या ब्रेंड क्रूड में थोड़ी सी मंदी देखने के लिए मिल रही है तो पेंट्स स्टॉक्स में 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 काफी अच्छी तेजी है फ्लैग पैटर्न से कल के सेशन से ब्रेकआउट आया था लॉन्ग कर तो करना चाहिए थर्टी टू हंड्रेड का स्टॉप लॉस रहेगा इमीडिएट टारगेट रहेगा तो ये दो बाइकॉल रहेंगे हमारी तरफ से ठीक है तो ये है दोनों स्टॉक्स एशियन पेंट्स पेंट्स पेंट, पेंट, स्टॉक्स पर लगातार एक्सपर्ट की नजर बनी हुई है और इसमें एशियन पेंट्स अच्छा लग रहा है आज भी हल्की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं तैंतीस सौ के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेज़ी करके चल सकते हैं और दूसरा स्टॉक है बायोकॉन यहाँ पर भी तेज़ी करने की सलाह थ्री फोर के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा उन्नीस सौ बयासी का

है 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 वो exceptionally high है. तो तो uh, तो अगर ये ये करता है, 3, 300, तो 3, के support के साथ ये खरीदा जा सकता फिलहाल तो एक attempt कर रहा ब्रेकआउट uh, देने के लिए अगर ये स्टॉक थर्टी फाइव हंड्रेड के ऊपर जाता है तो आई थिंक टारगेट देख सकते हैं थर्टी एट फिफ्टी टू फोर थाउजेंड लेवल्स ये सब लेवल्स को ध्यान में रख के आप एक बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं ठीक है तो अगला लेवल दिखाई दे रहा है 3500 क्या उसके ऊपर निकला तो 3850 के लेवल्स आ सकते हैं गुजरात फोरों में और जैसा कि वैशाली जी कह भी रहती है कि केमिकल शेयरों में हम काफी अच्छा रुझान देख रहे हैं यहाँ पर आप नजर रखिए लॉरेंस uh, लैब्स भी एक स्टॉक है जो कि आज अच्छी तेजी में है चार परसेंट ऊपर और इसमें भी काफी सारे एक्सपर्ट uh, सलाह दे रहे थे बाइंग करने की कुछ ऑप्शन ट्रेड्स भी यहाँ पर निकल कर आए थे अब चार परसेंट ऊपर ये आ चुका है अंशुल जी लॉरेंस लैब्स में अभी भी मौके आप देख रहे हैं बने रहे हैं और तेजी के लिए या फिर जिन्होंने ट्रेड के लिए लिया था थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए uh, पूजा जी लॉरेंस लैब एटी नाउ स्वदेश मैंने किया था 480, 482 जोन में जब ब्रेकआउट आ रहा था आ, वहां से लॉन्ग रिकमेंड किया था एटीन हाउस स्वदेश पे फोर एटी टू पे ऊपर में स्टॉक पांच सौ दस रुपए जाता हुआ दिख रहा है तो अभी भी होल्ड करना चाहिए पांच सौ दस रुपए के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए लैब्स पर इस बीच बीचो पर भी नजर डालते हैं शानदार साढ़े पांच परसेंट की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने ओवरवेट की राय तो दी ही है लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले दो सौ रुपए प्रति शेयर था वो बढ़ाकर तीन सौ रुपए प्रति शेयर कर दिया है जिसके चलते साढ़े पांच परसेंट की तेज़ी यहां पर दिखी है और स्टॉक में तीन सौ चालीस का लक्ष्य जेपी मॉर्गन ने दिया है उन्होंने अपने एफ आई ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी सेवन के एस्टिमेट्स 15 से 40 परसेंट तक बढ़ाए हैं तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है जिसके चलते जेपी मॉर्गन में तेज़ी दिखी है जोमेटो में तेज़ी दिखी है अंशुल आपसे पूछना चाहूँगी क्या राय बनेगी जोमेटो पर देखिए जोमेटो में शॉर्ट टर्म थोड़ी सी एक्सटेंडेड मूव है तो यहाँ पे एक गैप अप के साथ जरूर चला है लेकिन शॉर्ट टर्म में डाउनवर्ड मूव एक्सटेंडेड थी आज गैप के साथ उसका ब्रेकआउट आया है ऊपर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 264 के आसपास वहां तक स्टॉक जा सकता है 264 के ऊपर टिकता है तो फिर ये तेजी एक्सटेंड होती हुई दिखेगी अः टू नागी नागी तक तो यहाँ से टू का टारगेट पकड़िए अगर टू सिक्सटी थ्रू होता है तो फिर कैरी करना चाहिए टू तक लेकिन अगर वहां से रिजेक्शन मिलता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी बिल्कुल तो ये राय है जोमेटो पर स्टॉक में आज तेज़ी दिखी है इस बीच रियल एस्टेट सेक्टर पर भी नज़र डाल लेते हैं निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर तो है ही याद रखें केवल दो सेक्टोरल इंडस्ट्रीज है जो लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं एक है आईटी इंडेक्स और दूसरा है रियल्टी इंडेक्स आधे से एक की गिरावट यहाँ पर दिखी है और उसमें प्रेस्टीज एस्टेट्स करीब साढ़े की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है इसी के साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज और शोभा इन दोनों स्टॉक्स में भी गिरावट है इस पर ही राय ले ले लेते हैं वैशाली क्या राय बनेगी रियल्टी इंडेक्स पर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो काफी गिरावट दिखी है बजट के बाद और अब अगर किसी का दो से तीन महीने का नजरिया है तो रियल्टी इंडेक्स पर आपकी क्या राय बनेगी so actually, आप जो सही कह रहे थे कि इंडेक्स काफी अच्छे से चल चुका है बट फिलहाल एक कंसोलिडेशन लेवल पे है So, मेरे हिसाब से अगर मार्केट में ये साथ रहा आई मीन पॉजिटिव ट्रेंड बना है तो ये स्टॉक ये सेक्टर ऑन द होल इज मेकिंग एन अटेम्प्ट कि एक राउंड ऑफ मोमेंटम बन सकता है सो so, फिलहाल हम देख रहे हैं 1044 पे रियलिटी uh, इंडेक्स हो रहा सस्टेन uh, कर रहा है अगर ये स्टॉक सेक्टर वन के ऊपर सस्टेन करता है तो दैट मीनस एक स्ट्रेंथ uh, दिख रही है तो ग्रेजुअली हम देख सकते हैं ग्यारह सौ तक भी ये सेक्टर जा सकता है सो so, उसके अनुसार में अफकोर्स फ्रंटलाइन पे ज्यादा फोकस करूंगी जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज ओवरऑय और डीएलएफ ये सब स्टॉक्स में बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए स्टॉक्स में के मौके आप देख सकते हैं कुछ बैंक्स और स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं आज फोकस अगर अगर तो यू स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगभग लगभग ग्यारह परसेंट की तेजी दिखा चुका है और आज रिपोर्ट भी आई है गोल्डमैन सैक्स की बाई की रेटिंग के साथ कंपनी पर कवरेज शुरू की है यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस ने और लक्ष्य अब आठ के ऊपर आठ के लगभग का यहां पर देख रहे हैं ए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अंशुल जी कैसा लग रहा है आपको ए स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट पूजा जी स्टॉक का चार्ट काफी अच्छा लग रहा है 700 के ऊपर हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे और ब्रेकआउट पे हम बाई भी इनिशिएट करते लेकिन आज जैसा आपकी कैंडल बनी है ऊपर से सेलिंग थोड़ी सी हार्ड है और आ, मैं एक से दो सेशन देखूंगा अगर ये कंसोलिडेट करता है और 695, 696 के लेवल होल्ड करता है तो मेरा बाइंग में जरूर इंटरेस्ट रहेगा लेकिन ब्रेकआउट पे आज की कैंडल बनी है आ, ये बननी नहीं चाहिए तो एक से दो दिन हो सकता है इसको एब्जॉर्ब करे और उसके बाद चले तो मैं एक से दो सेशन वेट एंड वॉच की अप्रोच रखूंगा अगर सिक्स के लेवल होल्ड हो जाते हैं तो फिर बाइंग की सलाह रहेगी ऊपर में 759 तक के आपको शॉर्ट टर्म में टारगेट मिल सकते हैं बट एक से दो दिन पहले वेट एंड वॉच करना चाहिए आज की सेलिंग अगर अब्सॉर्ब होती है तो बेहतरीन अपमूव बनेगी ठीक है तो यह है सलाह यू स्मॉल फाइनेंस बैंक की थोड़ा वेट एंड वॉच की रणनीति अपना जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं स्टॉक को एक और स्टॉक है फाइनेंशियल स्पेस